आज रियाजी का मेन सबक जो है हम लोग आज पढ़ेंगे बाकी सवाल। ये दिवाली के बाद की छुट्टियों के बाद ये हमारा रियाजी का पहला चैप्टर है, दूसरा हिस्सा जिसको हम कहेंगे। और यहाँ पर सबसे पहले दिया है सबक नंबर 9, इबारती मिसालें जमा और तफरीक। ये स्टेट लेवल पे जो सुबह होता है उसमें शायद ये सबक हो चुका है, जो लोग इसमें अटेंड किए थे उनको मालूम होगा, जो लोग अटेंड नहीं किए उनको यहाँ पर सबक सीखने मिल जाएगा। आज हम इबारती सवाल का देखते हैं। इबारती सवाल को करने के लिए जो तरीका अब की किताबों में जो दिया गया है उस तरीके को अगर हम समझेंगे तो इबारती सवाल हमारे लिए मुश्किल नहीं रहेगा। तो मैं आपको आज जो है इबारती सवाल है, इबारती मिसालें किस तरह से हल की जाती है, ये मैं आपको आज इसके सबक में बताऊंगा। और इसको अगर ध्यान से देंगे तो इबारती सवाल बहुत आसान होते हैं। सिर्फ ये कि जो मैंने कहा 20% लोग बच्चे कर लेते हैं, वो इसलिए कर लेते हैं कि उनको सवाल रवानी से पढ़ना आता है। रवानी से पढ़ने के बाद वो गैस कर लेते हैं कि इसमें क्या अमल होगा। कुछ बच्चे जो है वो 20% जो मैंने लिखा है कि पहुँच पाते हैं, यानी कि वो रकम को देखकर अंदाजे से जो है वो देख लेते हैं, यहाँ कुल लिखा हुआ है और रकम देख लेते हैं, कुल देखकर उनको समझ में आता है कि जमा का सवाल है, वो लोग कर लेते हैं। उनको सवाल पूरा समझ में नहीं आया लेकिन उन्होंने क्या किया, शॉर्टकट में उन्होंने काम किया, ये रकम उन्होंने ढूंढी, ये रकम उन्होंने ढूंढी और यहाँ पर उनको दिखा दिया कुल और फिर वो जमा कर देते हैं। लेकिन हर जगह कुल होने से जमा नहीं होता है, कभी कभी नफी भी आता है। तो इस तरह से वो 20% कर लेते, बाकी 60% जो है वो सवाल पढ़ ही नहीं पाते उसमें से। और अगर उन्होंने हिज्जे करके पढ़ भी लिया तो उनको समझ में नहीं आता है कि क्या अमल किया जाए, कौन सी रकम पहले लिखी जाए, कौन सी रकम बाद में लिखी जाए। कुछ तो वो रकम को समझ भी नहीं आते कि ये रकम किस लिए दिए गए, या सवाल में हमको जब हल करना है तो क्या लिखना चाहिए, ये उनको रकम का अंदाज़ा नहीं होता, ये अदद का अंदाज़ा नहीं होता है, तो इसलिए वो नहीं कर पाते। तो इस तरह से जो है इबारती सवाल अक्सर बच्चे जो है वो पेपर में छोड़ देते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें। तो मैं आपको आज इसमें किताब के ज़रिए आपको बता रहा हूँ, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, वो वीडियो जो है वो भी आप लोग देख लेना, यूट्यूब पे जल्दी आएगा वो। तो यहाँ पर एक सवाल दिया है और स्टार्ट में बता दिया कि ये अभी जितनी भी मिसालें हम करेंगे ये सब जमा से मुंसलिक है, जितनी भी हम मिसालें करेंगे सब जमा के है, और इसके बाद वाले चैप्टर में जितनी भी मिसालें आएंगी वो नफ़ी की आएगी, और उसके बाद फिर जो है मिक्स आएगा, जमा और नफ़ी दोनों का मिक्स आएगा। तो जमा का है तो यहाँ पर सारे बच्चे जो है वो इतना उनको समझ में आया कि जमा का है तो जमा कर लेंगे, नफ़ी का है तो नफ़ी कर लेंगे। लेकिन मिक्स सवाल के अंदर उनको परेशानी ये होती कि ये अंदाज़ा लगाना उनको बड़ा मुश्किल होता है कि ये सवाल जो हम पढ़ रहे हैं ये जमा का है या नफ़ी का। अक्सर नफ़ी के सवाल में जमा कर देते हैं, जमा के सवाल में नफ़ी कर देते हैं, क्योंकि वो सवाल को समझ नहीं पाते। तो आज जो मैं जमा का बता रहा हूँ उसके अंदर मैं आपको थोड़ी थोड़ी हिंट दूंगा, क्लू दूंगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि जमा का या नफ़ी का, ठीक है। इसी तरह नफ़ी का भी समझ में आएगा। फिर आपको अगर ऐसे कोई सवाल आते हैं इम्तिहान में मिक्स करके तो आप कर सकेंगे, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो पहला सवाल है, हफीज़ा चाची ने 5 किलोग्राम तुअर दाल, तुअर की दाल जो है 5 किलोग्राम हफीज़ा चाची ने 345 रुपये में, यहाँ पहली रकम आ गई है तुअर की दाल 345 रुपये में, और 20 किलोग्राम चावल यहाँ पर उन्होंने दाल खरीदा और यहाँ पर 20 किलो चावल जो 789 में है, ठीक है। अब ये दो चीज़ें उन्होंने हफीज़ा चाची ने इसको ख़रीदा, और यहाँ पर सवाल पूछ रहा है कि कुल कितने रुपए की ख़रीदारी की, दो चीज़ें खरीदी तो कुल कितने रुपए इसमें खर्च हुए ख़रीदारी करने में। अब ये जो घर में जो आपकी अम्मी हैं वो रोज़ाना बाज़ार मार्केट जाती हैं, ख़रीदती रहती है, तो वो लोग को जो है किताब कॉपी पेंसिल पेन लेके ज़रूरत नहीं होती है, वो लोग उंगलियों पे मोटा मोटा हिसाब कर लेते हैं, ठीक है। उनको जो है फटाफट ये जो है आप लोग लिखोगे फिर प्लस करोगे फिर हासिल आएगा फिर जमा होगी, हमारा प्रोसीजर लंबा होता है। लेकिन जो बनिया होता है या जो रोज़ाना ख़रीदारी करता है मार्केट में बाज़ार जाते हैं, तो रोज़ाना ख़रीदारी करने वालों को जो है मुँह पर जवाब उनको मिल जाता है, मोटा मोटा हिसाब कर लेते हैं, जैसे 700 है 300 है तो 1000 रुपया हो गया, है ना। फिर ये 89 है,
और ये 45 है इनको जमा कर लिया उन्होंने, यहाँ पे ये 80 है, यहाँ पे ये 80 का 8 और ये 40 का 4, तो 80 4 120 हो गया, 1120 हो गया, और ये 9 और 5 14 हो गया, तो 34 यानी 1034। इस तरह से लोग जो है मोटा मोटा हिसाब कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1000 का पहले 1000 की नोट मिला ली उन्होंने, ये 100 की नोट मिला ली, 700 300 हो गया 1000 रुपया, तो 1000 उनके दिमाग में बैठ गया। उसके बाद फिर उन्होंने 80 रुपया लिया, यहाँ से 40 रुपया लिया, उनके दिमाग में आ गया 120 रुपया होता है, फिर उसके बाद 9 रुपया और 5 रुपया 14 रुपया होता है। अब वो लोग क्या करते हैं, फटाफट मुंह पे जवाब उनको मान लेता है, 1120 और 14 20 और 14 मतलब 34 और 1134। इस तरह से मोटा मोटा हिसाब वो लोग जो है फटाफट कर लेते हैं, वो सब लिख विक कर नहीं करते हैं। बाजार में जब जाते हैं मार्केट में खरीदने के लिए, तो वो अपने साथ जो है वो पेंसिल पेन कागज़ नहीं लिखाते, फटाफट नोट दिए और फटाफट उन लोग क्या करते हैं माइनस कर देते हैं, इतनी जो 500 रुपये की नोट दिए तो कितना वापस आएगा, 1000 की 2000 की नोट दिए तो कितना वापस आएगा, सब उनको मुँह पे जवाब है उंगलियों के हिसाब हो जाता है, ठीक है। तो वो बार बार करने की वजह से उनको आसानी होती है। अभी ये बनिया लोग भी करते हैं बहुत, अगर लंबा चौड़ा अगर किसी ने खरीदारी किया तो लोग कैलकुलेटर निकालते हैं और उसमें लोग प्लस करते हैं, बाकी जो 1000 के अंदर 2000 के अंदर 5000 के अंदर कर रहता तो लोग जबानी लोग कर लेते हैं। तो इस तरह से अभी हम यहाँ देखेंगे, इसमें सवाल के अंदर दो हिस्से दिए गए। पहली चीज़ तो ये है कि मालूमात क्या दी गई है यहाँ पर, हफीज़ा चाची क्या कर रही है, तो मालूमात ये दी गई कि उन्होंने तुअर की दाल खरीदा और चावल खरीदा, और उसकी रकम दी गई कि ये रकम में उन्होंने तुअर खरीदा, ये रकम में उन्होंने चावल खरीदा। फिर दूसरा हिस्सा पूछ रहा है कि उन्होंने कुल कितने रुपए का सामान खरीदा। तो एक सवाल में दो हिस्से होते हैं, एक में जो है मालूमात दी गई होती है और दूसरा जो है वो मालूम करना होता है कि भाई कितना खर्च हुआ है या कितने की खरीदारी की है। तो एक सवाल के दो हिस्से हमको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, यहाँ तक के जो है तो दिया, देखो तो हफीजा चाची ने 5 किलोग्राम तुअर दाल 345 रुपये में और 20 किलोग्राम चावल 789 रुपये में खरीदा, ये हो गई पहली मालूम सवाल का हिस्सा। तो अब यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है हफीजा चाची, वालेकुम सलाम, हफीजा चाची की कितने रुपए की खरीदारी की ये हमसे पूछ रहा है सर। हाँ बाद में बोलना, पढ़ाई के बाद बोलना, पढ़ाई के बाद, ठीक है। तो पहले हिस्से में मालूम दी गई कि क्या क्या पढ़ाई के बाद यहाँ के वो उन्होंने कितना खर्च किया, ये सवाल पूछ रहा है। तो एक सवाल के हमको दो हिस्से नजर आ रहे हैं, पहला हिस्सा क्या मालूम दी गई है, दूसरा हिस्सा क्या मालूम करना है, ठीक है। तीसरे में हमको तरीका बताएगा। तो पहले हिस्से में हमको क्या करना है, कौन सी मालूम दी गई है, पहली चीज क्या है इबारती सवाल करने के लिए, कौन सी मालूम दी गई और क्या मालूम करना है। तो कौन सी मालूम दी गई है, तो तुअर की मालूम दी गई और चावल की मालूम दी गई है और उनकी रकम दी गई, इतने रुपये का तुअर की दाल है, इतने रुपये के चावल है, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा अमल करना है, अभी ये सवाल देखने का तुमको क्या लगता है, ये जमा का होगा या नफी का होगा, तो ये हमको सोचना पड़ेगा। अक्सर बच्चे सोचते नहीं है कि ये जमा का है या नफी का, बस रकम देखी और उन्होंने लिख दिया। तो इसमें आपको गौर करना है कि कौन सी मालूम दी गई है, क्या मालूम करना है और कौन सा अमल करना है। जिस बच्चे की आवाज़ है स्पीकर चालू है, उसको माइक चालू है, उसको बंद कर दो। तुअर की कीमत दी गई, कौन सी मालूम दी गई, तो तुअर की दाल और चावल की कीमतें दी गई, ठीक है। क्या मालूम करना है, तो मालूम करना है कि कुल खरीदी कितने रुपए की हुई, यानी कितना खर्च हुआ। कौन सा अमल करना है, तो जमा का अमल करना है। ये हमको पहला हिस्सा दिया गया, ये दूसरा हिस्सा है, तीसरे हिस्से में हम क्या करेंगे, इसको अमल करेंगे। तो पहला हिस्सा कौन सी मालूम दी गई, तुअर दाल और चावल की कीमत दी गई, तो यहाँ फौरन क्या करेंगे, यहाँ से तुअर की दाल की कीमत निकलेंगे, तुअर की दाल की कीमत, चावल की कीमत दी गई है 789, तो हम चावल की कीमत यहाँ लिख देंगे 789। उसके बाद हमको करना है जमा का अमल, तो यहाँ पर जमा का अमल किया है, मैं यहाँ आपको करके बता देता हूँ। 345 तुअर की दाल है और 789 ये जो है ये चावल की कीमत है। अब यहाँ पर हम लोग जमा करेंगे 5 और 9 को जमा करेंगे, तो हमारा जवाब क्या आता है 14। तो 14 का 4 हम यहाँ लिखेंगे, इसका हासिल का किधर हो जाएगा। फिर हम जमा करेंगे 8 और 4 को, 8 और 4 होता है 12 और उसका 1 हासिल का मिलाएंगे तो हो जाता है 13। 13 का 3 लिख दिया, हासिल का 1 आ जाएगा। 7 और 3 होता है 10 और 1 11। इस तरह से
हो गया 1134 रुपए की खरीदारी। तो यहाँ जवाब लिखा है हफीजा चाची ने कुल 1134 रुपए की खरीदारी की। इतना सबको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम दूसरी मिसाल देखते हैं। दूसरी मिसाल भी यहाँ पर दी गई है। दूसरी मिसाल हम देखते हैं यहाँ पर। इसका माई कौन है वो अपने माइक को बंद कर दें। माइक कौन है वो बंद कर दें। वेरी गुड, अच्छी बात है। तो हम दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल में क्या दिया है कि एक रेफ्रिजरेटर यानी एक फ्रिज, एक रेफ्रिजरेटर की कीमत 13,750 रुपये है। एक रेफ्रिजरेटर की कीमत कितनी है? 13,750 रुपये। और एक अलमारी की कीमत जो है 8,999 है। तब दोनों चीज़ें खरीदने पर दुकानदार को कुल कितने रुपए अदा करने होंगे? देखो यहाँ दोनों को मिलाकर पूछ रहा है, ठीक है। जब दो चीज़ों का पूछ रहा है तो समझ जाना हमको जमा करना है। अगर फ़र्क पूछेगा तो हमको नफ़ी करना है। अगर पूछेगा कि भाई फ्रिज की कीमत और अलमारी की कीमत में कितना फ़र्क है, जहाँ लफ्ज़ फ़र्क का इस्तेमाल पूछा गया, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये सवाल नफ़ी वाला है। यह अगर ऐसा पूछा कि किसकी कीमत ज़्यादा है और कितनी ज़्यादा है, तो कितनी ज़्यादा है अगर ये पूछ रहा है, ज़्यादा वाला पूछ रहा है, तो भी नफ़ी करेंगे। या पूछेगा कि भाई किसकी कीमत कम है, कितनी कम है, किसकी कीमत कम है और कितनी कम है, कितनी कम है पूछ रहा है, तो भी हमको नफ़ी करना है। लेकिन अगर पूछा कि कुल कितने, दोनों का मिलाकर कितना हुआ, चारों का मिलाकर कितना हुआ, कुल कितना खर्च आया, कुल कितने लोग गए थे, कुल कितने दरख्त थे, कुल कितने लोग थे, कुल कितने मर्द और औरत थे, अगर ऐसा पूछा जाता है तो हमको समझ जाना चाहिए कि ये जमा का सवाल है। तो आप इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से याद रखें। जहाँ पे तमाम चीज़ों का पूछ रहा है यानी कुल चीज़ों का पूछ रहा है, तो हमको बिला झिझक जो है जमा कर देना है। दो चीज़ों की कीमत पूछ रहा है, यहाँ पे दो चीज़ की कीमत दी गई है और दोनों चीज़ों की कीमत पूछ रहा है कि कुल कितना खर्च हुआ है, तो हमको समझ जाना चाहिए कि ये जमा का सवाल है। और ये इबारती सवाल आपको पढ़ना आना चाहिए। अगर आप रवानी से इबारती सवाल नहीं पढ़ सकेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे कि ये सवाल जमा का है या नफी का है, ठीक है। तो ये आपको पढ़ने आना चाहिए, ठीक है। ये फ़ोन लो, टीचर का फ़ोन आया, बोलना सर ले रहे हैं ऑनलाइन, और चाहे तो लिंक भेज दो उनको, ठीक है। तो इस तरह से अब यहाँ पर हम देखते हैं कि रेफ्रिजरेटर की कीमत यहाँ दिया 13,750, अलमारी की कीमत दिया 8,999। अब मैं आपको यहाँ पर जमा करके यहीं पे बता देता हूँ। ये 9 है, आपको 9 और सिफर नज़र आ रहा है, हम इसकी जमा करेंगे। अगर किसी बच्चे को ये अगर बहुत छोटा छोटा दिख रहा है, तो आप उसको मोबाइल की स्क्रीन में आप जूम करेंगे तो आपको ये बड़ा बड़ा दिखाई देगा। तो आप जो है स्क्रीन को जूम करके देख सकते हैं। यहाँ पर रेफ्रिजरेटर की कीमत हमने यहाँ लिख दी है 13,750, अलमारी की कीमत हमने लिख दी है 8,999। अब हम सबसे पहले क्या हमारा उसूल है जमा करने का, इकाई को इकाई में जमा करते हैं। सिफर में 9 जमा करेंगे तो सिफर का मतलब होता है कुछ नहीं। मैंने आपको बताया कि सिफर का जमा और नफ़ी में कोई असर नहीं होता, चाहे जमा करो चाहे नफ़ी करो, सिफर वहाँ पर बेबस होता है। लेकिन ज़र्ब में इसकी ताकत बढ़ जाती है, अगर ज़र्ब करेंगे तो ये सबको ज़ीरो बना देता है, सबको सिफर बना देता है। तो इस तरह से जब सिफर और 9 को हम जमा करते हैं तो हमारा जवाब आता है 9। ये हो गया हमारी इकाई की जमा। उसके बाद हम देखते हैं दहाई के लिए। तो यहाँ पर दहाई में जो है 9 और 5 है, तो 9 और 5 को मिलाएंगे तो हमको मालूम है कि 9 और 5 होता है 14। क्या करना है आपको, ये 5 में से एक इधर डाल देना है तो ये 10 बन जाएगा। जब 5 में से एक इधर गया तो यहाँ 4 बचेगा, ये 4 और ये 10 हो जाता है 14, अगर जल्दी जमा करना है तो 5 और 9 होता है 14, 14 के 4 हमने यहाँ लिख दिए, हासिल का 1 यहाँ पर आ गया। अब उसके बाद फिर हमने यहाँ पे 9 और 7 को जमा करना है, फिर वही क्या करेंगे हम, ये 7 में से एक इधर डालेंगे, इधर 6 हो जाएगा, इधर 1 डालेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 और 6 16, 16 और ऊपर का हासिल का 1 मिलाएंगे तो 17, 17 का 7 हमने यहाँ लिख दिए, फिर हासिल का 1 इधर आ गया। फिर 8 और 3 हम जमा करेंगे, 8 और 3 यानी 3 में से यहाँ 2 देंगे, 10 हो जाएगा, 10 और 1 11, 11 और 1 हो जाता है 12, यहाँ 2 लिख देंगे, 12 का 2 हासिल का फिर यहाँ पे लिखा जाएगा, फिर ये 1 और ये 1 मिलकर हो जाएगा 2, यानी तकरीबन हमारा कितना हो गया यहाँ पे, यहाँ पर हमारी रकम हो जाती है
22,749 रुपया, यानी कि जो ख़रीदारी करने गया था उसको रेफ्रिजरेटर और अलमारी की कीमत के लिए उसको 22,749 रुपये देने पड़े। तो दुकानदार को उसने कितना रुपया दिया? 22,749 रुपये वहाँ पर उसने दिए और ये दो चीज़ें उसने खरीद ली। इस तरह से ये इबारती सवाल हमारे दो मिसालें थी, ये दो मिसालें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो मैं अभी आपको अनम्यूट करके पूछता हूँ, उसके बाद फिर हम जो है तीसरा सवाल, यानी कि जो हमारी एक्चुअल मश्क दी गई, ये तो दो मिसालें थी, अब हम जो है मश्क नंबर एक का सवाल हल करेंगे। उससे पहले मैं आपको जो है स्क्रीन शेयर जो है बंद करता हूँ और आपको पूछता हूँ, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट करके आपको पूछता हूँ। तो ये जो आपने अभी दो मिसालें देखी वो कितने लोगों को समझ में आई? अगर आपको समझ में आई तो आप सब करके बता देंगे कि सर हमको समझ में आया तो बहुत अच्छा, लेकिन अभी हाँ आपने जो रियाजी कर करा है उसको लिखना भी है सर। हाँ बोलो ना, सुनाई सुनाई दे रहा मुझे सर। आगे कुछ बोलती नहीं है, सिर्फ सर सर बोलती है बस। चलो खैर, अभी मैं आपको जो है आगे का एक सवाल और मैं हल करा देता हूँ। चलिए यहाँ पर हम लोग आगे हैं ऑफिस से, यहाँ पर अभी हम देखते हैं जो किताब में जो मश्क दी है उसको हम देखते हैं। यहाँ पर पहला सवाल है, इसको हम थोड़ा, पहला सवाल यहाँ पर दिया है हुसैन बाबा का। हुसैन बाबा का सवाल कौन पढ़ेगा? मैं फलक को बोलता हूँ, फलक पढ़ेगी, वो फलक पढ़ पाओगी? अजान हो रही, थोड़ी देर हम लोग रुक जाते हैं, उसके बाद हम लोग बोलते हैं। चलिए अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर यहाँ पर सवाल जो है वो कौन पढ़ेगा? फरिया पढ़ेगी ना, फरिया। फरिया को अनम्यूट कर दूं। हाँ फरिया पढ़ो बेटा। हुसैन बाबा ने अपने बाग में मौसमी के 143 दरख्त और चिक्कू के 155 दरख्त लगाए, बताओ उन्होंने कुल कितने दरख्त लगाए? हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, अनम्यूट करो, अपने आप को म्यूट कर लो। हुसैन बाबा ने अपने बाग में मौसमी के 143 दरख्त और चीकू के 156 दरख्त लगाए, तो बताइए कि कुल कितने दरख्त। यहाँ पर देखो सवाल पूछ रहा कुल कितने दरख्त, कुल कितने दरख्त पूछ रहा है, इसका मतलब ये है कि वो दोनों दरख्तों के बारे में बोल रहा है, ठीक है। इसी सवाल को अगर मुझे नफी का बनाना है, तफरीक का बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा कि बताओ कि मौसमी के दरख्त ज़्यादा है या चीकू के। जब ऐसा सवाल पूछा जाएगा कि कौन से दरख्त ज़्यादा है और कितने ज़्यादा है, तो आपको यहाँ पे तफरीक करना पड़ेगा, ठीक है। या अगर ऐसे सवाल हो जाएगा कि बताओ चीकू के दरख्त जो है मौसमी से कितने ज़्यादा है, तो भी आपको तफरीक करना पड़ेगा। या फिर सवाल रहेगा मौसमी के दरख्त चीकू से कितने कम है, तो वहाँ पर भी आपको नफी करना पड़ेगा। कम पूछेगा तो भी आपको तफरीक करना है, ज़्यादा पूछेगा तो भी तफरीक आपको करना है, या पूछेगा कि दोनों दरख्त में कितना फ़र्क है, दोनों दरख्तों की तादाद में कितना फ़र्क है, तो भी आपको नफी करना होगा। लेकिन यहाँ पर हमको ऐसा कोई पूछ नहीं रहा, दोनों में फ़र्क नहीं पूछ रहा है, ना कम पूछ रहा है, ना ज़्यादा पूछ रहा है, इसलिए सीधी सीधी बात है कि ये तफरीक का सवाल नहीं है, ये जमा का सवाल है, क्योंकि यहाँ पर दोनों दरख्तों के ताल्लुक से पूछ रहा है। बताइए उन्होंने कुल कितने दरख्त लगाए, यानी ये दोनों दरख्त के बारे में पूछ रहा है, तो सीधा हमको समझ में आता है कि ये जमा का सवाल है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मैं आपको यहाँ पर ये हल करके बताता हूँ। ये तो छोटी रकम है बहुत ही, यहाँ पर 143। अभी ये लिखने से पहले मैं यहाँ पर आपको एक और चीज़ बता दूँ कि हमको जैसे मिसाल में बताया गया है
यहाँ जो हमने अभी मिसाल हल की ना इसमें, तो आपको जब भी सवाल आप हल करेंगे तो सबसे पहले आपको ये चीजें लिखना पड़ेगा। ये जो पहला जो कॉलम है ये आपको पेपर में लिखना होगा, कौन सी मालूमात दी गई है, क्या मालूम करना है, कौन सा अमल करना। कौन सी मालूमात दी गई, तो आपको लिखना है कि चीकू के दरख्त, ठीक है, वहाँ पे जो हमको यहाँ पे बताया चीकू के दरख्त और मौसम्बी के दरख्त, तो आपको क्या करना है, चीकू और मौसम्बी के दरख्तों की तादाद। क्या मालूम करना है, तो कुल दरख्त मालूम करना है। कौन सा अमल करना है, जमा का अमल करना है। फिर आपको यहाँ पर जो है ये दो कॉलम आपने लिख लिए, उसके बाद आपको तीसरा कॉलम लिखना है, उसके अंदर आप लिखेंगे चीकू के दरख्त, फिर मौसम्बी के दरख्त, उनकी तादाद यहाँ लिखना है और फिर उनको जमा करना है और फिर लिखना है कि हुसैन बाबा ने इतने दरख्त लगाए। हो गया आपका सवाल। और ये जो इबारती सवाल रहता है ये थोड़ा सा इसके नंबर ज़्यादा होते हैं, कभी चार नंबर का होता है, कभी पाँच नंबर का होता है, कभी दो नंबर का होता है, तो आपको इबारती सवाल हल करने में ज़्यादा नंबर मिलते हैं। यही सवाल अगर आपको इबारती की जगह पर आपको यही सवाल जो है इस तरह से दे दिया जाए, यानी पेपर के अंदर आपको सवाल ऐसे दे दिया जाए 143 जमा 156, अगर ऐसा आपको बॉक्स बना के कॉलम बना के अगर दिया जाएगा तो आपको नंबर कम रहेंगे, लेकिन इबारती सवाल में नंबर ज़्यादा रहते हैं। उसकी वजह ये रहती है कि सवाल को बच्चा उसकी उस सवाल के मफहूम को समझता है क्या नहीं, उस सवाल को पढ़ने का तो उसको क्या समझ में आ रहा है, जमा का सवाल है, नफी का सवाल है, और सवाल के जवाब को हल कैसे किया जाए, उसके पास तरीका क्या है, वो सब देखा जाता है, इसलिए उसके नंबर ज़्यादा होते हैं और बच्चे जो है यही सवालात ज़्यादातर छोड़ देते हैं, चाहे वो तीसरी का बच्चा हो या चौथी का हो या पाँचवीं का। तो आप लोग जो है ये अच्छी तरह से इसको ध्यान में रख लीजिए, चौथी में आप लोग पाँचवीं छठी सातवीं भी इबारती सवालात आते हैं, थोड़े से इससे ज़्यादा मुश्किल होते हैं, थोड़े से इससे मुश्किल होते हैं, लेकिन अगर आपको चौथी में ये अगर थोड़ा सा सेंस आ गया कि सवाल को समझना कैसे है, पढ़ना कैसे है, और हमको गौर करना है कि सवाल के दो हिस्से पे गौर करना है, पहला हिस्सा दी गई मालूमात रहता है और दूसरा हिस्सा रहता है मालूम करना है, तो क्या मालूम करना है, क्या मालूम करना है, जब आप पहुँचेंगे तो आपको ये भी समझना कि ये जमा का अमल है या नफी का अमल है, तो इसकी गहराई को थोड़ा समझेंगे तो आपको आगे की क्लासों में कोई तकलीफ नहीं होगी। चलो हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, मौसम्बी के दरख्त जो है वो 143 है, हम यहाँ लिख लेते हैं, और चीकू की दरख्त 156 है। अभी मैं यहाँ ऐसा लिख रहा हूँ, आपको वैसा नहीं लिखना है, जो मिसाल में जिस तरह से तरीका बताया गया हमको वैसे ही करना है, क्या मालूम करना है ना, क्या मालूमत दी गई है, क्या मालूम करना है, अमल कौन सा का, वो सारा आपको टेबल बना के लिखना होगा। चलिए हम यहाँ पर अभी कर लेते हैं ये सवाल, और उसके बाद वाला जो दूसरा सवाल है, जब ये वीडियो बंद हो जाएगा, जूम की लिंक बंद हो जाएगी, तो आप लोग रिज्वाइन करेंगे, रिज्वाइन करने के बाद मैं सिर्फ दो बच्चों को मौका दूंगा ये दो सवाल हल करने का, आपको जो है बोर्ड दिया जाएगा, वाइट बोर्ड, आपको हल करके बताना होगा, ठीक है। तब यहाँ पे हम लोग जमा कर लेते हैं, 3 और 6 9 हो जाता है, यहाँ पे कोई दाई वाला हिस्सा नहीं है इसलिए यहाँ पे हासिल नहीं आएगा। फिर यहाँ पे 4 और 5 है, इसका भी 9 होता है, यहाँ भी कोई दाई का हिस्सा नहीं है, और ये 1 और 1 मिलाएंगे 2 हो जाता है, यानी दो चीज़ें हमको मालूम पड़ गई, यहाँ पे 299 दरख्त, कुल कितने दरख्त लगाए गए, तो कुल दरख्त जो है वो 299 लगाए गए हैं, 143 जो है मौसम्बी के दरख्त थे और 156 जो है वो चीकू के दरख्त थे, दोनों की दरख्तों की तादाद हमने जमा की तो हमको जवाब मिला 299 दरख्त लगाए गए। अगर यहाँ पर 156 की जगह 157 होता या 143 की जगह 144 होता तो यहाँ हमारा जवाब 300 आता, 300 दरख्त लगाए, एक दरख्त उनका कम हो गया है। अगर मुकम्मल हम सैकड़े की बात करते हैं तो यहाँ पर एक जो है वो कम हो गया है 299, यानी कि 300 में एक कम है, 299 दरख्त यहाँ पर लग गए। तो अभी यहाँ पर दो मिसालें हमारे पास नज़र आ रही, मैं जब तक ये लिंक बंद होती है तब तक मैं आपको यहाँ पे एक बता देता हूँ। पहला सवाल, हबीबा ने 245 रुपए की किताबें, हबीबा ने 245 रुपए की किताबें और 178 रुपए की बयाज़ें, किताबें जो पहले से छपी होती है जिसमें लिखा हुआ होता है, बयाज़ें जो कॉपी होती है, नोटबुक होती है जिसमें उनको नोट करना होता है। तो हबीबा ने 245 रुपए की किताबें खरीदी और 178 रुपए की कॉपी खरीदी, यानी बयाज़ें खरीदी, बताइए उसने कुल कितने रुपए की ख़रीदारी की। तो अभी आपको यहाँ पर मैं बताऊँगा नहीं कि ये जमा का सवाल है या नफी का सवाल है, आपको खुद करना है। उसके बाद दूसरा, ये तीसरा सवाल है,
एक लाइब्रेरी में कहानियों की किताबें 1230, कहानी की किताबें कितनी लाइब्रेरी में 1230, और शायरी की किताबें जो है 150 है। तो बताइए लाइब्रेरी में कुल कितनी किताबें हैं। तो हमको ये दोनों किताबों का पूछ रहा है, यहाँ पर कुल लफ्ज आया है, तो आप इस पर गौर करें। तो दो सवाल जो है आपको करना है, मैं किसी दो बच्चे को ये जिम्मेदारी दूंगा हल करने की, और बाकी ये जो चौथा और पांचवा सवाल है ये आपको अपनी कॉपी में करके मुझे व्हाट्सअप करना है। ये दो सवाल आपको घर का में, ये दो सवाल आपका होमवर्क रहेगा, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चौथा सवाल है सर्कस देखने के लिए 1310 बच्चे और 1505 औरतें और 790 मर्द आए तब सर्कस देखने के लिए, कुल कितने अफराद है। तो यहाँ पर देखिए दो, हर अभी तक हमने जितनी भी सवाल की उसमें दो रकमें थी, यहाँ पर हमको तीन रकम नज़र आ रही सर्कस देखने के लिए। 1310 बच्चे ये बच्चों की तादाद है, फिर ये औरतों की तादाद है 1505। चलिए यहाँ पर ज्यादा जल्दी कनेक्ट नहीं हो गया। चलिए अभी दो सवाल हमको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, अब वो दो सवाल आपको हल करने हैं। पहला सवाल है हबीबा ने 245 रुपए की किताबें और 178 रुपए की ब्याजें खरीदी, तभी आपको यहाँ पर मुझे हल करके बताना है। दो सौ पैतालीस और 178। चलिए अभी आप मुझे यहाँ पर हल करके बताएंगे। 245 की किताबें हैं और 178 की, 178 रुपए की जो है वो कॉपी है, ठीक है। चलिए अभी मैं आपको मौका दे रहा हूँ उसको हल करने का, तो जिसको मैं अनम्यूट करूँगा, जिसको मैं दूंगा बोलूँगा उसको करना है। सबसे पहले जो है वो उमर ने ज्वाइन किया था, मैं उमर को मौका दे रहा हूँ। उमर जो है वो इस सवाल को पहले हल करेगा, लिस्ट में नाम भी इसका सबसे पहले है। तो उमर तुमको हल करना है, बाकी लोग सिर्फ देखेंगे, अगर उमर नहीं कर पाया तो फिर किसी और को जिम्मेदारी दी जाएगी। पांच और आठ, और यहाँ पर ये जो है किताबें थी, मैं यहाँ लिख देता हूँ किताबें, और ये ब्याजें थी, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ब्याजें। सर हो गया? हो गया, तुमने बताया नहीं हल करके, कैसे तुमने जवाब किए? आठ और पांच, तेरह, तेरह का तीन हासिल का एक, खालिद लकीर में पूछो बेटा। और उसके बाद तेरह का तीन हासिल का एक आ गया, सात और चार होते हैं ग्यारह, ग्यारह और एक बारह, बारह का दो हासिल का एक, दो और एक तीन, तीन और एक चार, बिल्कुल सही जवाब है। आपको स्टार देना चाहिए, तो हम आपको पांच स्टार देते हैं, ये उमर के लिए पांच स्टार। ठीक है, हम दूसरा सवाल देखते हैं। ये पहला सवाल तो आपका एकदम सही आया है, कितने लोगों को लगता है जवाब सही है गलत है? किसी को ऐसा लगता है कि ये जो सवाल किया कि गलत है? सर सही है, सही है, सबको लगता है सही है। हाँ, सही है, मैं करूँ सर, सर मैं करूँ, सर मैं करूँगी, सर मैं करूँ, दूसरा सर मैं करूँ, सर मैं करूँ, दो ना, सर मुझे प्लीज दो ना, सर मैं करूँ, सर मुझे बदलना, सर मैं करूँगी, सर सर मैं करूँ। दूसरे सवाल के लिए अभी मैं आपको मौका दे रहा हूँ कि कौन करता है, ठीक है। दूसरा सवाल एक तो उमर ने कर लिया, दूसरा सवाल हम जो है
खालिद को देते हैं। खालिद जो है वो दूसरा सवाल करेगा, बाकी जो होमवर्क है वो सबको करना है, जिनको आज मौका मिला उनको कल नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अभी दूसरा सवाल जो है वो मैं खालिद के जिम्मे रखता हूं। तीसरा सवाल है, एक लाइब्रेरी में कहानी की किताबें 1230 है और शायरी की किताबें 150 है, तो कुल कितनी किताबें हैं? अब ये सवाल जो है वो खालिद को करना है, किसको करना है? खालिद को। तो मैं यहाँ पे सवाल लिख देता हूँ, 1230 सवाल है। और दूसरा सवाल है, 150 किताबें शायरी की, शायरी की कम किताबें, यहाँ जमा का मैं निशान लगा देता हूँ और यहाँ पर एक लकीर डाल दिए। अब आपको जो है यहाँ पे करना है सवाल हल, खालिद को करना है, तो मैं यहाँ पर खालिद को कलम देता हूँ। चलो खालिद आप जवाब लिखना शुरू करो। उमर को नहीं करना है, खालिद को करना है। खालिद को सुनाई दे रहा है? नहीं दे रहा खालिद, नहीं सुनाई दे रहा है। खालिद को सुनाई नहीं दे रहा? कर रहा है, कोशिश कर रहा है बच्चा। अगर वो नहीं कर पाया तो फिर हम जो है वो फरिया को मौका देंगे। तो स्पीकर में स्पीकर मिला, स्पीकर हो गया, तीन में पांच में आठ हो गया, दो और एक हो गया और एक का एक सही जवाब है। कितने लोग को लगता है कि जवाब सही है? अगर गलत है तो फिर मैं किसी और को मौका दूंगा। सर सही है, सर सही है, सही है। किसी को ऐसा लगता है कि सवाल गलत है? सर सर खालिद को लगता है गलत, सर ना बोलो, सर सही है, सर हाँ बोलो, सुनाई दे रहा मुझे, सर सही है, सही लग रहा है सबको, सर सही है, सही है, सर तो फिर हाँ सर सही है, फाइव स्टार हम सर और पांच। अभी जो बच्चा सर सर कह रहा है वो आगे अगर बोलेंगे 1380 ये जवाब सही था, पीछे किसी ने गड़बड़ की, मैंने उसको हटा दिया है। तो अब मैं सर हाँ बोलो सर के आगे सर। बोलो खालिद भाई कुछ बोलो सर। हाँ बोलो, आवाज नहीं आ रही अच्छे से। मुझे तो आ रही है आवाज, बाकी लोगों को भी आ रही ना आवाज़? एयरफोन लगाओ, तुमको वॉल्यूम बढ़ा करो आ जाएगी। आज जो है वो हमने जमा के सवाल, इबारती सवाल और तकरीबन सभी को जो है समझ में आ गया है। कभी कभी नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है कि आवाज जो है किसी को नहीं जाती है, किसी को जाती है। ये भी मेरे यहाँ मैंने जो लिखा था सही था? हाँ सही था। हाँ सर सही था, सही था। बच्चों ने कहा ना, सब बच्चों ने तो कहा कि सही है और मैंने भी वहाँ पे लिख दिया, तुमको फाइव स्टार भी दिया मैंने, तुमने देखे नहीं फाइव स्टार तुमको मिला? वो क्या बात है, सुमैया भी आ जाइए, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो आज इबारती सवाल हमने देखे, इसका वीडियो मैं जो है वो यूट्यूब पे डालने वाला हूँ, अगर किसी का छूट गया है तो यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं। और ये अगर टेलीग्राम आपके पास है तो टेलीग्राम में ये पूरा वीडियो मैं भेज दूंगा। कल उमर जो है वो क्लास ज्वाइन नहीं किया था तो उसके अब्बा ने मुझे फ़ोन किए थे, मैंने वो वीडियो उनको टेलीग्राम पर भेज दिया।